गाइस मेरे पर विश्वास करके आप वीडियो भी क्लिक करके आए हो। मान लिया मैं जादू तो नहीं हूँ लेकिन तुम्हारा भाई जरूर तुम्हारी स्किन केयर की दिक्कत जरूर सॉल्व कर दूंगा कि आपको स्किन केयर में है ना नई नई चीजें इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है। आपका स्किन टाइप चेंज हो जाता है कई बार अपने मौसम की वजह से, कभी है ना स्किन चिपचिपी हो जाती है, कभी ड्राई हो जाती है, कभी स्किन टाइप की वजह से, कभी क्लाइमेट की वजह से। तो कभी आपको ना स्किन केयर में नए प्रोडक्ट्स ऐड करने, आपको सिर्फ मॉइस्चराइजर और है ना फेस वॉश नहीं लगाना है, आपको है ना केमिकल पील्स और है ना सीरम्स वगैरह भी लगानी है। तो फैक्टर्स इन पे क्या चीजें डिपेंड करती है आपकी स्किन केयर कैसे चेंज होगी, चलो वीडियो की तरफ बताता हूं। फर्स्ट फैक्टर होने वाला ऑब्वियसली स्किन टाइप। आपका फर्स्ट होने वाला है ऑयली। ऑब्वियसली आपकी है ना बहुत ज्यादा ऑयल रिलीज होता है, आपके पोर्स भी बड़े बड़े होंगे। याद रखना नायसिनामाइड और केमिकल पील्स यूज कर सकते हो ताकि ढंग से सफाई हो जाए। यहां पे पूरी वीडियो बना रखी डीप क्लेंजिंग पे, आगे देखो बहुत मजा आ जाएगा, सब कुछ क्लीन हो जाएगा और एक्ने भी नहीं होगा। सेकंड होने वाला है आपकी ड्राई है स्किन टाइप। ऑब्वियसली जेनेटिक्स पे ही डिपेंड करता है, आपको ना जितने ज्यादा हो सके तो मॉइस्चराइजिंग मास्क लगाने उतना ज्यादा हो सके तो, और मॉइस्चराइजर में आप थोड़े बहुत हैवी वाले और ऑयली वाले और ओलेइक एसिड वाले लगा सकते हो ताकि चिपचिपापन आपके ज्यादा नहीं होगा क्योंकि आपकी स्किन ड्राई है। थर्ड होने वाला है आपके सेंसिटिव होने वाला है। ऑब्वियसली आपकी हर प्रोडक्ट से दिक्कत है तो आपको जेंटल से जेंटल प्रोडक्ट लगाने, और केमिकल पील में आप सिर्फ एक चीज लगा सकते हो लैक्टिक एसिड क्योंकि वो दूध से बना होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। फोर्थ होने वाला है वो होने वाला है आपका नॉर्मल स्किन टाइप। ऑब्वियसली आपका या तो ड्राई हो सकता है या ऑयली हो सकता है, डिपेंड करता है आप उसके हिसाब से प्रोडक्ट यूज करो। फिफ्थ होने वाला है लास्ट आपका कॉम्बिनेशन टी जोन, मतलब ये वाला जोन नाक का और फोरहेड का, यहाँ पे आपके ऑयल होता है बाकी स्किन नॉर्मल होती है, उसके हिसाब से बैलेंस कर लो। सेकंड होने वाला है क्लाइमेट। ऑब्वियसली फर्स्ट हो गया आपका ह्यूमिड, सेकंड हो गया आपका ड्राई। ड्राई में आपको ये याद रखना एसी के अंदर और क्लोरीन वाले पानी के अंदर ज्यादा स्विमिंग नहीं करनी, जिससे और ज्यादा मॉइस्चर सक हो जाएगा। जेंटल है ना जो भी केमिकल पीस लगाने ताकि वो ज्यादा चीजें खींच ना ले, कौन सी हो गए मेंडेलिक हो गया लैक्टिक हो जाएगा वो तो दूध से ही बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तीसरा हो गया कौन सा कोजिक हो गया, और है ना आपको थिक मॉइस्चराइजर्स लगा सकते हो और आप थिक ऑयल भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मॉइस्चराइजेशन मिलेगा ही। सेकंड होने वाली है इसी में आपकी ह्यूमिड क्लाइमेट। ऑब्वियसली ह्यूमिडिटी में क्या होता है गर्मी पड़ती है, पसीना आता है, पसीना उड़ता है मतलब एवोपोरेट होता है, ठंडक मिलती है बॉडी को, और जितना ज्यादा ऑयल मिक्स करेंगे मतलब एपोक्राइन और एक्राइन ग्लैंड होते हैं उसमें ऑयल मिक्स कर देते हैं और ज्यादा रिलीज करके, वो भी स्वेट ग्लैंड ही होते हैं लेकिन ऑयल मिक्स कर देते हैं ताकि पसीना धीरे धीरे एवोपोरेट हो, आपको ठंडक वाला इफेक्ट मिले। चिपचिपी चीजें वाला मतलब करना, जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर सारी सारी चीजें जेल बेस्ड लगाना, कोशिश करना हल्की फुल्की। सही बता रहा हूँ ये सिर्फ मैं फैक्टर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, नहीं तो ये वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी क्योंकि हर फैक्टर पे पूरी वीडियो बन सकती है। तो इस पे काफी सारे वीडियो बन चुकी है और मैं लिंक कर दूंगा, नहीं तो पूरी वीडियो देखो, ये बेसिक्स है। थर्ड होने वाला आपका डाइट और टॉक्सिसिटी। आप डाइट कैसी ले रहे हो, फास्ट फूड ज्यादा खाओगे तो उसमें ऑब्वियसली टॉक्सिन्स होते हैं। टॉक्सिन्स क्या करेंगे आपको, एक तो डिप्रेशन में ले जाते हैं, आपकी ना ऐसे रिसर्च पेपर्स में लिखा हुआ है कि जो लोग टॉक्सिन वाला फूड खाते हैं उनको 51% है ना ज्यादा डिप्रेशन होने के चांसेस रहते हैं नॉर्मल पीपल से। और आपको ये भी याद रखना टॉक्सिन जो आपके अंदर के विटामिन है ना उनको भी खा जाएंगे जो आपकी ऑलरेडी बॉडी में पड़े हुए हैं, तो आप माइनस में चले गए हेल्थ के मामले में। फोर्थ रीजन आपकी स्किन केयर आपको क्यों चेंज करनी पड़ सकती है, आपकी एडवांसमेंट हो गई है, अब आप न्यू भी नहीं रहे हो मतलब आप शुरुआत नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ मॉइस्चराइजर फेस वॉश और स्क्रब नहीं करोगे, अब आप बाकी चीजें भी लेके आओगे, टोनर्स हो गए, केमिकल पील्स हो गए ताकि वो डीप क्लीनिंग कर सके, हर चीज निकाल सके, और सीरम्स भी ताकि वो डीप मॉइस्चराइजेशन दे सके क्योंकि उनके पार्टिकल्स छोटे होते हैं, मॉइस्चराइजर अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता लेकिन वो होती है एक्चुअल मॉइस्चराइजेशन देती है। फिफ्थ होने वाला है वो होने वाला है आपके हार्मोन्स और एज। हार्मोन्स एज के हिसाब से कम होते जाते हैं, हमें टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑब्वियसली टेस्टोस्टेरोन की वजह से मेल्स के अंदर है ना ज्यादातर ज्यादा सीबम रिलीज होता है बजाय फीमेल्स के। जो सिक्स पॉइंट होने वाला है जेंडर, आपको जेंडर के हिसाब से प्रोडक्ट्स यूज करने हैं, लड़कियों के बने हुए प्रोडक्ट्स यूज मत करना, वो आपके ऊपर इफेक्टिव नहीं रहेंगे, अपनी स्किन भी थिक होती है और अपने ऑयल्स भी ज्यादा होते हैं, तो उसको क्लियर करने के लिए ढंग के थोड़े से पावरफुल प्रोडक्ट्स चाहिए फीमेल से ज्यादा, ये याद रखना। आपकी एज कम हो रही है तो टेस्टोस्टेरोन भी कम होगा, उसके हिसाब से सीबम प्रोडक्शन भी कम होगा, प्रोडक्ट्स जेंटल करने पड़ेंगे आपको। सेवंथ होने वाला है वो होने वाला है आप पावरफुल प्रोडक्ट्स किस तरीके से यूज कर सकते हो जिनके अलग अलग वर्क है। जैसे मान लो आपको कोई केमिकल पील यूज करना है तो वो पावरफुल वाला है ना, तो उसको उसके साथ यूज मत करो, किसके साथ, विटामिन ए और विटामिन सी। जो आप पता है किसके लिए यूज कर रहे हो, अपने व्रिंकल्स हटाने के लिए, अपनी झुरिया हटाने के लिए यूज कर रहे हो और आपकी स्किन की एजिंग हटाने के लिए, तो उन दोनों को साथ में यूज मत करो, एक या दो दिन का गैप रखो ताकि है ना आपकी स्किन छिल ना जाए और सेंसिटिव भी हो सकती है। सेवंथ होने वाली है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन लगा के जाना और हर दो घंटे में लगाते रहना, वो पसीने में उतर जाती है। और आपको एक बेसिक चीज याद रखनी है सनस्क्रीन के हिसाब से, अपने है ना टेम्परेचर के हिसाब से एसपीएफ 50 लेना और पीए के आगे ना जितने ज्यादा प्लस होंगे ना वो उतना ज्यादा है ना यूवी ए रेस को रोक पाएगी, क्योंकि यूवी ए रेस अंदर जाके कैंसर कॉज करती है, ज्यादातर कंपनी सिर्फ यूवी बी रेस के लिए ही बना रही है। नाइन्थ होने वाला है आपकी सिटी में बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, मुंबई या फिर दिल्ली में रहते हो तो एक बेसिक अच्छे से एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट बता देता हूं घर पे करने के लिए, नीम ऑयल, एलोवेरा जेल और आपका तीसरा टी ट्री ऑयल या फिर लेवेंडर ऑयल लगाते रहना रोज थोड़ा थोड़ा अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स करके, कोई पोल्यूशन दिक्कत नहीं देगा, एक्ने भी नहीं करेगा, और जब बाहर निकलो मास्क पहन के लगना निकलना है या फिर अर्बन घबरू के पिंपल पैचेस लगा के निकलना ताकि आपके जो एक्ने की जो है ना मतलब है ना ठीक होना है ना वो और ज्यादा स्लो नहीं हो जाए। 10th होने वाला है स्ट्रेस मत लेना क्योंकि उससे एजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। 12th होने वाला है स्लीप ढंग से लेना, स्लीप ढंग से लेगो क्योंकि उसी में आपकी स्किन का रिजुविनेशन होता है। 13th आपकी एक्सरसाइज करना क्योंकि पसीने से टॉक्सिन्स निकलते हैं। 14th अल्कोहल और स्मोकिंग छोड़ देना, झुरिया और बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, एजिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, सी यू नेक्स्ट।